आज के इस स्पेस एपिसोड में हम बात करेंगे 21वीं सदी के सबसे एम्बिशियस रॉकेट मिशन के बारे में, जो है स्टारशिप फ्रॉम स्पेसएक्स। स्टारशिप के ओवरऑल स्ट्रक्चर में मेजरली दो बड़े मेन सेगमेंट्स हैं। पहला है स्टारशिप अपर स्टेज। ये रॉकेट का वो हिस्सा है जिसे मार्स पे लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। देन आता है रॉकेट का फर्स्ट स्टेज, जो इस मार्शियन बीस्ट को अर्थ सरफेस से स्पेस तक लिफ्ट ऑफ देगा। नाउ लेट्स कंपेयर दिस मार्वेलस ब्यूटीफुल स्पेस मशीन विद अदर टाइप ऑफ स्पेस मिशंस। स्पेसएक्स की एंटायर स्पेस जर्नी में उनका अभी तक का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट फाल्कन 9 रहा है, जिसकी ओवरऑल हाइट ऑलमोस्ट 70 मीटर्स की है। फाल्कन 9 का स्ट्रक्चरल बाइफर्केशन करें तो रॉकेट का फर्स्ट स्टेज 45 मीटर्स का एंड अपर एंड सेकेंड स्टेज 25 मीटर्स का है। फॉर द करंट ऑपरेशन स्पेसएक्स इज यूजिंग फाल्कन 9 टू डिलीवर मल्टीपल कार्गो मिशंस टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन विच NASA is heavily supporting SpaceX. But in comparison to our beautiful, mighty Starship rocket, it don't have any match. Starship ka first stage hi Falcon 9 se almost 2 meter bada tayar kiya gaya hai, jo iske first stage ko almost 72 meters ka banata hai and iska second stage almost 50 meters jitni height ka design kiya gaya hai, जिसकी वजह से स्टारशिप रॉकेट की करंट ओवरऑल हाइट ऑलमोस्ट 122 मीटर्स की हो जाती है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइन्ड रॉकेट बनाता है। इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकेट सैटर्न वी था, जिसने हम इंसानों को हमारे चंदा मामा तक पहुंचाया। सैटर्न वी की टोटल हाइट ऑलमोस्ट 110 मीटर थी, और जब तक स्टारशिप सक्सेसफुली अपनी पहली स्पेस फ्लाइट नहीं करता, सैटर्न वी ही बिना किसी शक के ह्यूमन हिस्ट्री का किंग ऑफ द रॉकेट्स रहेगा। अब बात करते हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अपने मार्स मिशन के लिए कितने एम्बिशियस हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पेसएक्स की इंजीनियरिंग टीम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 डिफरेंट वेरिएशंस तैयार किए हैं स्टारशिप रॉकेट के लिए। एंड हियर आर द ग्लिम्स ऑफ फ्यू वेरिएंट्स। अब आइए वन बाय वन इन स्टारशिप वेरिएंट्स की प्रोफाइल समझते हैं। फर्स्ट वेरिएंट का नाम है क्रू वेरिएंट। इस वेरिएंट को करंटली स्पेसएक्स की रॉकेट फैसिलिटीज में कई हद तक सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। इसकी इनिशियल फ्लाइट्स आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते रहते होंगे। कंप्लीटली बनने के बाद में इस वेरिएंट की टोटल सिटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100 पैसेंजर्स की होगी, और इसे मून, मार्स और कई अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड डेस्टिनेशंस तक लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। स्टारशिप का अगला वेरिएंट है इसका कार्गो वेरिएंट। एज द नेम सजेस्ट, इस वेरिएंट को मेजरली कार्गो कैरी करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। हेंस इसका अपर पेलोड सेक्शन किसी एलिगेटर के मुंह की तरह ओपन होता है, एज यू कैन सी इन दी एनिमेशन वीडियो। ये वेरिएंट ऑलमोस्ट 1000 मैट्रिक क्यूब के पेलोड कैपेसिटी के साथ में अभी तक का डिजाइन किया हुआ सबसे लार्ज वॉल्यूम रॉकेट है। इंटरेस्टिंगली स्टारशिप का अगला वेरिएंट, जिसका नाम है टैंकर वेरिएंट, पिछले लॉन्च किए गए स्टारशिप मिशंस को रिफ्यूल करने के लिए काम में लाया जाएगा, जो आई बिलीव कई हद तक रिक्वायर्ड भी है। Because जब आप इतनी दूर मून, मार्स एंड अदर टाइप ऑफ सेलेस्टियल डेस्टिनेशंस तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस ड्यूरिंग दिस एंटायर स्पेस ट्रेवल आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े। सो टैंकर स्टारशिप कैन बी दैट रॉकेट व्हिच कैन फ्यूल यू अप। नेक्स्ट ऑन अवर लिस्ट इज लूनर स्टारशिप वेरिएंट, जिसे स्पेसएक्स के विजनरी इंजीनियर्स ने बहुत ही यूनिक पर्पस के लिए डिजाइन किया है। आप सबको पता होगा कि नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू मून पर एक बेस बनाना चाहता है। अब इस बेस को बनाने के लिए नासा को हेल्प चाहिए स्पेसएक्स से, कि इनिशियल कार्गो को वो अर्थ से मून तक ला सके। इस कैपेबिलिटी का अभी तक स्पेसएक्स ने जो रॉकेट बनाया है वो यही वेरिएंट है। ये वेरिएंट नासा के आर्टेमिस बेस और अर्थ के बीच में एक पाइपलाइन कैरियर का काम करेगा,
और अर्थ और मून के बीच में ही रहेगा। ये स्पेस एक्स स्टारशिप के बाकी वेरिएंट्स की तरह अर्थ में रीएंट्री नहीं करेगा, ना ही मून बेस के लिए कोई मेजर लिफ्टिंग वर्क करेगा। इसलिए अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो इसके डिजाइन में से फ्लैप्स, विंग्स और हीट शील्ड जैसे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है और इसे लाइट एज पॉसिबल बनाया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टारशिप का अगला वेरिएंट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि इलॉन मस्क भैया आखिर आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि इस रॉकेट का प्राइम वर्क है इनिशियल अर्थ कार्गो को सोलर सिस्टम के बाहर तक ड्रॉप करना। दैट्स इनसेन, राइट? स्पेसएक्स ने इस डीप स्पेस मिशन बेस्ड रॉकेट का नाम वन वे स्टारशिप रखा है एंड आई होप इस रॉकेट की मदद से ह्यूमैनिटी माइट बी सोलर सिस्टम के बाहर डिप्लॉयमेंट्स कर पाएगी। एंड आई टोटली गेट इट, आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इन प्लान्स को ऑन पेपर डिजाइन करना और रियलिटी में मैन्युफैक्चर करके लॉन्च करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। बट व्हाट आई कैन से, इलॉन मस्क ने लास्ट 20 इयर्स में जो भी अचीव किया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप लोग जानते हो 2002 से जब स्पेस एक्स ओपन हुई और आज 2022 तक, ये 20 साल के गैप में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच स्पेस एक्स डिड व्हिच वाज नेवर इवन इमेजिन्ड बिफोर। एंड आई हैव फुल फेथ दैट विद बिलियन डॉलर्स इन द बैंक अकाउंट एंड अ विजन टू मेक ह्यूमैनिटी अ इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज, इलॉन मस्क के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देयर नीड टू बी रीजंस टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू नो, लाइफ कांट जस्ट बी अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? देयर्स गॉट टू बी थिंग्स दैट पीपल फाइंड इंस्पायरिंग and make life worth living. So, my best wishes to SpaceX and the mighty dream that they are carrying. With that, I want to end the video. Thank you very much for watching. Be safe. Take care. The exploration of space will go ahead. And it is one of the great adventures of all time.